हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक तो कूलिंग टावर में जो इवापोरेशन लॉस होता है कैसे हम लोग उसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज का जो विषय है वो है कूलिंग टावर इवापोरेशन लॉस। बाय थंब रूल करीब 10 लाख किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करने के लिए एक तो कूलिंग टावर में करीब 1.8 मीटर क्यूब इवापोरेशन लॉस होता है। मतलब कि एक तो कूलिंग टावर 10 लाख किलो कैलोरी हीट को रिजेक्ट जब करता है तो उसमें 1.8 मीटर क्यूब इवापोरेशन लॉस होता है, ये थंब रूल के अनुसार। तो इवापोरेशन लॉस को निकालने के लिए फार्मूला क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इवापोरेशन लॉस, इसको EL में शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो फार्मूला है 0.0085 इंटू 1.8 इंटू CW फ्लो, जितना अमाउंट का कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा होगा कूलिंग टावर में, इंटू ∆T, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस इनलेट और आउटलेट में कूलिंग टावर में। तो एक एग्जाम्पल लेके अभी देखेंगे कि कैसे इवापोरेशन लॉस को निकालना है। मान लीजिए एक कूलिंग टावर में कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा है 150 मीटर क्यूब पर आवर में कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा है और कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर है कूलिंग टावर में कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, और कूलिंग वाटर आउटलेट यानी कि जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। तो ∆T कितना हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस। इसको पुट करेंगे जो फॉर्मूला में पहले बताया था, तो इवापोरेशन लॉस इज इक्वल टू 0.0085 इंटू 1.8 इंटू कितना फ्लो हो रहा है 150 मीटर क्यूब पर आवर इंटू ∆T हो गया 8 डिग्री। तो कितना वैल्यू होगा, 1.836 मीटर क्यूब पर आवर। तो पर आवर यानी कि एक घंटा में करीब उस कूलिंग टावर में इवापोरेशन लॉस होगा 1.836 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको इवापोरेशन लॉस निकालने का बारे में जो तरीका यानी कि जो फार्मूला है वो पता चल गया, आप इजीली इवापोरेशन लॉस को निकाल पाएंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।